Hi Shahzad, how are you? I'm good. How are you? I'm also good. So किस तरह से Yes. रहा, किस तरह से जा रहा है आपका दिल्ली का शूट एंड ऑल? मेरा वो हो गया शूट, उसका पोस्टर भी मैंने कल डाल दिया है, आपने ओ अगर या देखा हमने हो हर देखा जगह सोशल मीडिया पे आ गया है, वो मंडे को जी। आ जाएगा। एंड उसका थोड़ा काम रहता था, मैंने पहले शूट कर लिया था, आते ही मैंने अच्छा बाकी का 2 दिन का शूट था वो खत्म करा है। एंड उम्मीद करता हूँ कि अब जैसे रिलीज होगा तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, जैसे लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट प्यार दे रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छे से नहीं रिलीज होगा। ओके शहजाद, पोस्टर के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है पोस्टर पे? फैन से क्या आपको कुछ डीएम्स मैसेजेस आ रहे हैं आपको? बहुत सारे बहुत सारे, जैसे मैं उम्मीद कर रहा था एकदम वैसे ही हो रहा है। पोस्टर आते ही वो पोस्टर, अब आज सी मेरे 1.3 लाख फॉलोअर्स हैं अभी, उसमें से 50,000 लाइक्स आ चुके हैं पोस्टर में, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, जी और मैसेजेस इतने आ रहे हैं, स्टोरीज इतने लोग डाली जा रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं खुद से, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम मैं रिपोस्ट कर पाऊँ, बट कभी बीच में रुक मतलब सारे हो नहीं पा रहे हैं, तो उसमें मेरे को फिर अभी वो वाले मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपने हमारा पोस्टर नहीं डाला, हमने भी रीशेयर करा था, जी हमसे क्या गलती होगी। तो वो अब मेरे को थोड़ा एम्बेरसिंग लगता है कि यार मैं सबकी कोशिश कर रहा हूँ बट कई बार मिस हो जाता है। बट जी बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को कि जिस तरीके से लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ऐसे वो अपना सपोर्ट बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, यू नो आपका जो एविक्शन था वो सभी के लिए, सभी जनता, सभी फैंस के लिए वाकई बहुत शॉकिंग रहा है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी पर्सनली आपके लिए कितना शॉकिंग रहा है, बिकॉज आपकी जर्नी हमने देखी है काफी एंटरटेनिंग। आप अपना मुद्दा रखते थे, आप अपना एफर्ट्स दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं फैंस और जनता को पसंद भी आ रहा था। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, और शॉकिंग तो मतलब शॉकिंग इसलिए कि वो जिस तरीके से चीजें हो रही थी, मैं देखिए बिग बॉस का बहुत सालों से फैन रह चुका हूँ, मैं बहुत क्लोजली शो फॉलो करा है। बिग बॉस एक शो इस लेवल पर अगर पहुंचा है वो जनता की वजह से पहुंचा है, क्योंकि जी जनता का एक पर्सनल टच है शो में, जनता एक पर्सनल लेवल पर उस शो के साथ रिलेट करती है, और जनता ही अपने कंटेस्टेंट को बचाती है या अपने कंटेस्टेंट को निकालती है। ठीक है, बिल्कुल एक पब्लिक वोटिंग शो में आपने, चलिए मैं आपसे दूसरा एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ, आज 4 हफ्ते होने को आए शो में, ठीक है, बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ है कि 4 हफ्ते हो गए हो 3 महीने के शो में, 1 महीना निकल चुका हो और एक पब्लिक एलिमिनेशन नहीं, एग्जैक्टली आपने अपने शो का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, जिस वजह से लोग आपके शो को इतना पसंद करते थे, आप लोगों से वो पावर ही छीन रहे हो। बिल्कुल और ऐसे शो में बेशक चाहे वो कोई विनर ही क्यों ना रहा हो, पीछे गौहर ले लो, हीना खान ले लो, गौतम गुलाटी को ले लो, सिद्धार्थ शुक्ला ले लो, अगर वो अपने आप को शो में बचा पाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या तो पब्लिक के द्वारा बचाए बचा पाए, उनकी पब्लिक ने उनको वोट करके बचाया, या दूसरा कि वो टास्क में पार्ट लेते हैं, टास्क में इन्वॉल्व होते हैं और टास्क में अपने आप को बचा लेते हैं, या वो खुद को बचाते हैं या जी। उनकी जनता उनको बचाती है। मेरे केस में आपने मुझसे दोनों ऑप्शन छीन लिए, आपने मेरे को और टास्क नहीं करने दिया, ना आपने मेरे को पब्लिक वोटिंग में डाला, और जी मतलब मोस्ट शॉकिंग बात मेरे को बाहर आके पता चली, आपने पब्लिक वोटिंग खोली खोली थी जी हाँ थी और उसमें मैं नंबर 2 पे चल रहा था, बिल्कुल तो कंफ्यूजन मतलब ये अभी तक खड़े हैं सारे, ऐसा क्यों करा गया, कैसे करा गया और इसका क्या रीजन था। तो कि जनता को कहीं ना कहीं इसका रीजन जो है जान कुमार शानू लगते हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे चीज को, फिर वो चाहे सारा का एविक्शन हो या आपका एविक्शन हो, सभी ने इसको नेपोटिज्म के उससे जोड़ा गया कि जान जो है वो नेपो किड है, इसलिए उन्हें आगे शो में बरकरार रख रहे हैं और आप जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है उन्हें एविक्ट कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि रीजन नेपोटिज्म हो सकते हैं या जान कुमार शानू हो सकते हैं? मैं इस बारे में देखिए कमेंट नहीं कर सकता, जैसा लोग बोल रहे हैं, लोगों का ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके, तो अब चैनल क्या सोच के कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो चैनल ज्यादा बेटर जानते हैं, मेकर ज्यादा बेटर जानते हैं, उनका शो है वो कुछ भी कर सकते हैं। कायदे से तो मेरा एलिमिनेशन होना नहीं चाहिए था अगर पब्लिक वोटिंग थी,
हाँ ये बात जरूर है कि पब्लिक वोटिंग के हिसाब से जान सबसे नीचे चल रहे थे, या तो जनता अगर ऐसा कुछ सोच रही है तो वो अपनी जगह ठीक है, और चैनल का क्या रीजन है वो सिर्फ चैनल जानता है। ओके शहजाद, आपको जब फ्रेशर्स और सीनियर्स से मिलाकर आपको वोटिंग ज्यादा मिली थी जिसके चलते आपको गायब कर दिया गया था, बट कहीं ना कहीं हम सभी को एक उम्मीद थी कि आपको आने वाले दिनों में टास्क परफॉर्म करने मिलेगा और शायद से आप अपने टास्क में जीत कर अपना ये जो टैग है गायब का इसे हटा देंगे। आपको भी कहीं ना कहीं ये था कि मुझे टास्क मिलेगा, मुझे परफॉर्म करने मिलेगा, बल्कि उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, आपको 3-4 दिन रखा और एविक्ट कर दिया। मेरे को भी जब ये चीज हो रही थी गायब वाली, पहले तो मेरे को यहाँ पे ये सबसे ज्यादा शॉकिंग लग रहा था, बट मैंने उसको अपने एक एंटरटेनिंग साइड में लिया, एक फनी साइड में लिया उस चीज को, कि ठीक है कि मैं ना हमेशा पॉजिटिव साइड देखना पसंद करता हूँ। बट जब गायब का भी दिया जा रहा था, मैं तभी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। दो लोगों में टाई हुआ है, ठीक है, 10 वोट थे, 10 वोट में से 2 जनों को 4 और 4 मिले, मेरे को तो फिर भी 2 मिले थे, तो 2 लोगों में टाई हुआ है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। सीनियर्स को तब इन्वॉल्व करा गया कि क्या अब आप डिसाइड कीजिए कि कैसे होगा। तो 4 और 4 का टाई हुआ तो आप उनका टाई तोड़वाओगे, जिसको 2 वोट मिले उसे भी डाल दोगे बीच में। तो ये बिल्कुल, जो ऊपर से टाई मेरी था चीज गई, बट मैंने सोचा क्योंकि मैंने बिग बॉस, अब यहाँ पे नुकसान हो गया मेरा बहुत अच्छे से शो को फॉलो करके देखने का, मेरे को लगा अच्छा ऐसी चीज हो रही है, अब ऐसी चीज में मेरे को कोई स्पेशल पावर दी जाएगी, या मैं कोई स्पेशल टास्क करूंगा, या मेरी कोई स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होगी टास्क के अंदर, तो मैं उसको एंटरटेनिंग वे से करूंगा। उसमें अब मैं पहला ऐसा इंसान हूंगा जो गायब होकर ज्यादा दिखेगा, और वो हुआ भी, बट अनफॉर्चुनेटली वो टास्क में नहीं हुआ, मेरे को टास्क का हिस्सा ही नहीं होने दिया गया लास्ट वाला। तो वहां पे मेरे को सबसे ज्यादा मेरे मतलब मेरी उम्मीद टूटी, बिकॉज इन्होंने वो चीज अलाउ नहीं करी, और तब मैं बल्कि सोच हम रहा था कि जी बल्कि हम सबने देखा है कि शहजाद आप गायब होने के बावजूद भी टास्क में आप अपना इनिशिएटिव ले रहे थे। जिस तरीके से आप एजाज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे आवाजें निकाल के, वो काफी लोगों को एंटरटेनिंग भी लगा। आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव तो ले रहे थे कि मैं अभी भी अपने जनता को मायूस ना करूं। वो ही कर रहा था मैं, एंड जनता को वो पसंद भी है, जैसे आपने वो चीज नोटिस करी, आप उस बारे में क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो मैं कहीं ना कहीं जो चीजें कर रहा था वो सही कर रहा था, लोगों को नजर आ रही थी, बट रीजन मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड काफी उम्मीद करता हूँ कि मेरे को ये वापस बुलाएंगे शो में बहुत जल्द, एंड फिर मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उनको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर मैं ओके वापस शहजाद, जाना चाहूंगा तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मेरे को कुछ और रीजन नहीं है घर में वापस जाने का, मेरे को जनता का इतना प्यार ऑलरेडी मिल चुका है, रहा है, मैं आ गया ऑलरेडी अपने दूसरे काम करने जो मैं करता हूँ उसमें वापस जुट गया हूँ, बट अगर मैं वापस जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए जाऊंगा, उनको मैं ये एक फेयर चांस देना चाहता हूँ कि अब वो डिसाइड करें मैं कितना टाइम घर के अंदर रहता हूँ, कितना टाइम नहीं रहता, और वो मेरे को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जितना वोट और जितना प्यार जितना सपोर्ट उन्होंने मेरे को दिया, मेरे को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, अब तक वो जितना प्यार दे रहे हैं मेरे को उसी शो से रिलेटेड, उनके लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है कि जिस तरीके से मैं बाहर आया हूँ। सी मैं अगर कुछ ना कर रहा होता, या मैं किसी से हार गया होता, या मैं नेचुरल जेन्युइन पब्लिक वोटिंग में बाहर होता, मेरे को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, ऑडियंस को भी नहीं होती, उन्होंने ट्राई करा, दूसरे जने ने उनसे ज्यादा ट्राई करा बचाने का, ठीक है, बट यहाँ पे क्या उन्होंने ट्राई करा और वो उन्होंने सक्सीड कर लिया था, वो सक्सेसफुल हो गए थे, बट फिर भी मेरे को आना पड़ा, तो उनको उस चीज का काफी गुस्सा है, एंड वो एक और चांस डिजर्व करते हैं बिल्कुल इसलिए। शहजाद, सभी कंटेस्टेंट्स ये कह रहे थे कि सारा गुरपाल के जाने के बाद आप काफी डाउन हो गए थे, आप काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। ऐसा कुछ आप फील कर रहे थे जब सारा गुरपाल का बिल्कुल एविक्शन भी हुआ नहीं, था? बिल्कुल भी नहीं, खाली बात यह है कि सारा को मैं पहले से जानता था, और सारा के साथ मैं घर के अंदर एक थोड़ा फेमिलियर क्वेश्चन था, क्योंकि मैं उसे पहले से जानता था, वो मेरे यहाँ पे नेबर है जहाँ पे मैं रहता हूँ पंजाब में, जी तो उस वजह से जब स्टार्टिंग में आप नए लोगों के साथ होते हो, इट्स नेचुरल कि आप जिसको थोड़ा सा जानते हो ज्यादा, जिसके साथ आपका पहले उठना बैठना रह चुका है, आप उससे थोड़ी ज्यादा बात करते हो, तो पहले हफ्ते में मेरी सारा के साथ ज्यादा दोस्ती थी,
और हम आपस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है, मेरे को उनका नेचर अच्छा लगता था, मेरे को एज अ पर्सन अच्छी लगती थी। उस चक्कर में पहले हफ्ते में उनके साथ थोड़ा ज्यादा देखा, और जाहिर सी बात है जब उनका एलिमिनेशन हुआ तब मैं एक दिन मैक्सिमम, मतलब शाम में जैसे उनका 6-7 बजे के आसपास एलिमिनेशन हुआ है, तो मैं उस रात तक थोड़ा सा टाइम लगता है ना नए लोगों में फिर से एडजस्ट होने का, अभी एक ही हफ्ता तो हुआ था, उस चक्कर में थोड़ा सा अकेला था। अगले दिन मैं वापस, अगले दिन एक टास्क आ गया था, मैं वापस उस टास्क में 100% इन्वॉल्व था, मैंने अपनी पूरे अपना कॉन्सेंट्रेशन अपनी एनर्जी उसमें लगा दी थी। उसके बाद मेरे दूसरे दोस्त बन गए थे जैस्मिन रुबीना अभिना, मेरे पहले से दोस्त थे, उनके साथ मैं फिर बैठने लग गया था। तो ये बिल्कुल कहना ठीक नहीं कि उनके बाद में थोड़ा सा गेम से बाहर हो गया था या मैं गेम में इन्वॉल्वमेंट कम हो गई थी, मैं नहीं मानता इस बात को। ओके शहजाद, आपकी और एजाज की दोस्ती भी हमने शुरुआत में देखी थी, लेकिन फिर बीच में आपके, आप दोनों के बीच में तनाव पैदा हो गए थे, क्या रीजन था जिसके चलते आप दोनों के बीच में तनाव आ गया था? वो मेरे को जब अकेले होते थे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे मेरे साथ, और मेरे को ऐसी बातें भरोसा दिलाते थे कि वो मेरे बड़े भाई जैसे, मैं उन पर भरोसा करके चल सकता हूँ, वो मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, लोगों को हमारी दोस्ती बहुत अच्छी लगेगी, बाहर लग रही होगी हम बड़े भाई छोटे भाई जैसे हैं, और अपनी लाइफ की पर्सनल बातें बताते थे मेरे को, जिससे मेरे को उन पर थोड़ा कनेक्शन होता था, इमोशनल कनेक्ट होता था, मैं इमोशनली फील करता था उनकी लाइफ में जो उनके साथ पास्ट में जो भी, दूसरों के बारे में घर के जो हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बात करते थे मेरे साथ। मेरे को गुस्सा तब चढ़ा जब उन्होंने अभिनव और रुबीना के सबसे बहुत पर्सनल बात करी कि वो अपने बड़े, अपने भाई और भाभी की तरह को, और रुबीना को बहुत ज्यादा इज्जत मान सा। और अगले ही दिन, और ये एक बार ही नहीं हुआ, ये दो, पूरे घर के आगे रुबीना की बेइज्जती कर रहे हैं और ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के पास जाके उनका ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं रुबीना का। मेरे को लगा, मैंने कहा अगर ये अकेले में मेरे से ऐसी बात करते हैं और किसी को इतना सम्मान इज्जत ये देना चाहते हैं तो ये घर के आगे ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक तरीका रुबीना के साथ जाके अकेले में भी बात लो, उनको अपना पॉइंट समझा दो, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट पूरे घर के सामने किसी की ऐसे बात करना कोई समझ नहीं है। इत्तेफाक से ही उसी दिन जब नॉमिनेशन आया तो जान को बचाने के लिए उन्होंने मेरा नाम ले दिया, और मेरे को आप अपना क्लोज भाई बोल रहे हो और इतना मेरे से बातें कर रहे हो, मैं आपके साथ बातें, और जान के साथ आपको भी एक दिन हुआ है बात करते हो और आपने ऐसे कर ये बात, मतलब फिर मेरे को लगा कि यार इस इंसान पे ये तो गेम के लिए कुछ भी कर सकता है, सांप से खतरनाक है, इससे अच्छा तो एक एनिमी है, जैसे इससे अच्छी तो निकी तंबोली है कि कम से कम उसको मैं पसंद नहीं, तो मेरे मुंह पे पता तो है मेरे को पसंद नहीं। तो ऐसे गेम में एक नोन एनिमी ज्यादा बेटर होता है रादर देन एन अननोन एनिमी जैसे कि एजाज, तो उस बात का मेरे को उन पे वो है। ओके साथ ही साथ पवित्रा भी काफी कंफ्यूज नजर आती उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पहले उन्होंने जान का नाम लिया फिर सडनली वो आप पे आ गई, बट तभी भी आपने उसके बाद पवित्रा से बात बात की, उसको क्लैरिफाई किया, आपको एजाज पवित्रा ने मेरे को सीधा सीधा रीजन दे दिया ना। देखिए मैम, इस ये गेम ऐसा है कि हर जना किसी ना किसी को नॉमिनेट करेगा कभी ना कभी, ये जैस्मिन तक ने मेरे को बोला, वो जैस्मिन मेरी बहन है, जैस्मिन तक ने मेरे को ये बात बोली हुई है, मैंने भी जैस्मिन को बोली कि गेम में ऐसी कभी ना कभी एक स्टेज आएगी जब मेरे को तेरे को नॉमिनेट करना पड़ेगा, तू मेरे को करेगी, ठीक है, वो बात समझ आती है। पवित्रा ने सीधी मेरे को बात बोली, और हालांकि बहुत ही फनी और सिली बात है, बट उसने बोली है कि ये इस शो, इस सीजन का टैग लाइन है अब सीन पलटेगा। मेरे ऊपर पहला वोट आया, मेरे को पता था तेरे को वोट्स नहीं मिलने, तो मैंने इसलिए तेरा नाम दे दिया था क्योंकि मैं, अभिनव भी मेरा दोस्त है, जान भी मेरा दोस्त है, और तू तो एनीवेज बच ही रहा था, सेव हो रहा था, तो मैं सीन पलटाने के लिए तेरा नाम दे दिया। मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफी वाली बात है, बट सच्ची बात थी, और कोई रीजन था ही नहीं पवित्रा के पास, क्योंकि पहला वोट था उसका और मेरे एग्जैक्ट नंबर काउंटेड थे जो मैंने काउंट करे हुए थे कि अभिनव को इतने वोट जाएंगे, जान को इतने जाएंगे। ये तो मेकर्स ने ऐसा बीच में कुछ ट्विस्ट ला दिया, सीन एक्चुअली पलटा कि उन्होंने सीनियर्स को बीच में इन्वॉल्व करके मेरे को भी डाल दिया वोटिंग में, जबकि होना नहीं चाहिए था। Okay, सिद्धार्थ के साथ भी आपका झगड़ा हुआ, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? लाइक आपके लिए वो कितना डिसअपॉइंटिंग रहा है सिद्धार्थ का? बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रहा है, बल्कि मैम
बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा है, बल्कि उसमें मेरी पर्सनालिटी दिखी है लोगों को, वही ही लोगों ने पसंद करी है। हाँ, जी सिद्धार्थ के साथ मेरा डिसएग्रीमेंट हुआ, बट अच्छी बात उसमें ये थी कि वो अपनी बात पे अड़े रहे, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा, जी बिल्कुल तो एक इंडिविजुअलिटी दिखती है। उनका बिल्कुल देखने का सोचने का नजरिया अलग था, मेरा देखने और सोचने का नजरिया अलग था। वो अपनी बात से नहीं हटे, मैं अपनी बात से नहीं हटा, और जी यही इस बारे में मैं कहना चाहूंगा। और वो अपने आप ही 7-8 दिन बाद इशू रिजॉल्व हो गया, मतलब रिजॉल्व तो आज तक नहीं हुआ, बट दोबारा उस बारे में बात उठी नहीं। ओके शहजाद, आफ्टर एविक्शन आप अभी भी बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? जी, कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादातर कर लेता हूँ। ओके, जहाँ इन दिनों नॉमिनेशन टास्क में राहुल ने जान को नेपोटिज्म के ऊपर नॉमिनेट किया, कुछ लोगों को वो चीज गलत लगी और कुछ लोग फेवर कर रहे हैं राहुल वैद्य को, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? मैम, इसमें मैं देखो उसके किसी चीज पे कमेंट नहीं कर सकता कि उसने ठीक करा या नहीं करा, गलत करा नेपोटिज्म को लेके। मेरे को इस सारी चीज में बात ये अच्छी लगी राहुल की कि देखिए, नजरिया सही और गलत हो सकता है, जी ठीक है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको सही देख रहे हैं गलत देख रहे हैं, इसलिए मैं उस बारे में कमेंट कर नहीं रहा। बट मेरे को राहुल की चीज जो अच्छी लगी वो ये है कि सारा घर उसके अगेंस्ट हो गया, जी ठीक है, और लोगों ने उसको सुनाया, मतलब काफी ज्यादा बोला भी गलत और बुरा कि तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम्हारी सोच कैसे हो सकती है, घटिया सोच है, जो भी बोला, बट वो अपनी बात से हटा नहीं। होता है क्या, कई बार आप जब प्रेशर में आ जाते हो ना, आप अपनी बात से हट जाते हो, हट जाते, जी जी हो जाता है। और ये अभी तक, मतलब अगर जिस जो बिग बॉस मैं जानता था, जो बिग बॉस मैं जानता हूँ, उसमें घर के अंदर से ज्यादा जरूरी है कि लोग बाहर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों जो घर के बाहर ऑडियंस है उनका सपोर्ट है आपको या नहीं है। जी। अगर वो गलती से अपनी बात से हट जाता इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के, फिर उसके लिए खराब होना था। जी। और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की ये एक से एक मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का पता चलता है, एक साइन है स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इंसान होने का। तो मेरे को उसका वो बहुत अच्छा लगा कि वो हटा नहीं, और ऑडियंस ने उसको बाहर इस वजह से पसंद भी कर रही है जो मैं देख रहा हूँ। अब वो वोट्स में बिग बॉस फिर से अगर काउंट नहीं करते और घर वालों की वोटिंग करा देते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, राहुल क्या कर से अगले हफ्ते भर आप करा दीजिए इनहाउस वोटिंग। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार भी पब्लिक वोटिंग बंद की गई है, अभी पब्लिक वोटिंग नहीं कर इस आफ्टर दिस नॉमिनेशन टास्क पवित्रा, निक्की, जान एंड राहुल नॉमिनेट हुए हैं सब पे, और अभी पब्लिक वोटिंग रोक दी गई है, इस बार पब्लिक वोटिंग नहीं हो रही है क्या पे। अब फिर पता नहीं इस बार फिर जान को बचा रहे होंगे, मेरे को तो यही लग रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पवित्रा, निकी, जान और राहुल है नॉमिनेटेड ना, तो पब्लिक वोटिंग हिसाब से पवित्रा या जान में से कोई जाएगा, क्योंकि राहुल को तो बहुत सपोर्ट आ गया एकदम से। जी, मेरे हिसाब से तो निकी को भी सपोर्ट, क्योंकि वो पहले हफ्ते उसने जो चीजें कर दी थी उस वजह से उसको पब्लिक की नजर में तो वो आ गई थी। जी, और निकी, पवित्रा, जान, राहुल, एक और कौन सा नाम बताया मैम? निक्की, पवित्रा, जान और राहुल बेटर, ये चार लोग नॉमिनेट हुए। तो इस हिसाब से पब्लिक वोटिंग के हिसाब से तो जान या पवित्रा में से कोई गया। जी, बट पब्लिक वोटिंग ही नहीं है वो, हाँ, अब आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मैं लिटरली बिग बॉस मेरा देखने, जबकि मैं शो का हिस्सा इस साल था, मेरा खुद देखने का मन नहीं कर रहा कि, क्योंकि डिसाइड तो वो खुद से ही कर रहे हैं। जी, इसलिए देखते हैं, चलो। ओके, शहजाद आपसे जानना चाहूंगी, रुबीना आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड है, मैम थोड़ा अब ना एक दो क्वेश्चन और प्लीज। ओके देन, लास्ट टू क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, रुबीना आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड है, वीकेंड के बाद में सलमान सर ने कहा था उन्हें आपका एक सामान घर के अंदर है, जिनके जिन मेजॉरिटी तो रुबीना के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैंस थे जिन्होंने अपोज किया कि ऐसा नहीं उन्हें कहना चाहिए था, बिग बॉस के घर पे आई है, उन्हें शो देखना चाहिए था, आपका क्या राय है इस पर? मेरा भी यही मानना है, उन्होंने पहले शो नहीं देखा हुआ,
अगर वो सलमान खान वाले पहले के सीजन देख लें तो उन्हें पता चलेगा कि वो मस्ती ऐसे ही करते हैं और वो कभी मीन नहीं करते हैं। उनका बात करने का स्टाइल ऐसा है और वो इसीलिए वो बिग बॉस कितने सालों से होस्ट हैं, क्योंकि वो अपना एक पर्सनल टच देते हैं और एक शो को एज अ होस्ट नहीं एज अ फैमिली करते हैं वो शो को, सलमान जो है। ठीक है, उनको बेशक बोला जाता है कि पीछे से आप ऐसे बोलिए, इस कंटेस्टेंट से बात कीजिए, इस कंटेस्टेंट से इस बारे में बात कीजिए, ठीक है, या मतलब वो ऑब्वियसली उनको बोला जाता है, यहाँ पे उनके माइक लगा होता है, बट उसको वो अपना पर्सनल टच देके बोलते हैं, कभी कॉमेडी में बोलते हैं, कभी अपनी लाइफ का कोई वाक्या डिस्कस करते हैं जो उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बीता हो, वो सारे टच देके बोलते हैं, और इसीलिए वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होस्ट भी रह चुके हैं बिग बॉस के। तो रुबीना ने अगर ये पहले के शो देखे होते हैं बिग बॉस के तो उन्हें पता होता है कि ये वो मीन नहीं कर रहे, वो अपना कोई ऐसे मजाक का उन्होंने कोई डायलॉग मार दिया है, बट उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखे होते तो उनको वो चीज ऑफेंड हो गई, क्योंकि अगर सीरियसली ये चीज बोली जाएगी किसी को तो ऑब्वियसली एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए बुरा लगेगा, तो वो अपनी जगह उस जगह ठीक थी, बट वो हम सबको पता है क्योंकि हमने शो देखा है, ऑडियंस को पता है कि सलमान बात ही ऐसे करते हैं जब वो कॉमेडी करते हैं या वो जो होस्ट करते हैं, तो वो अपने कॉमेडी फन वे से होस्ट, फनी वे से होस्ट करते हैं एंटरटेनिंग बनाने के लिए, तो उसमें बिल्कुल ही वो इस बात को मीन नहीं करते थे, तो यहाँ पे थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग इशू हो गया। जी ओके, वाइल्डकार्ड एंट्रीज तीन आ चुके हैं, नैना है, कविता कौशिक है और शार्दुल, तीन की एंट्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है कौन तगड़ा कंपटीशन दे सकता है जो पहले के फ्रेशर्स हैं घर के अंदर? कविता कौशिक मैम दिखा रही है वो एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल, अपने घर वालों की गलती मानता हूँ, उन्होंने उनको डोमिनेट करने दिया। एक इंसान, आप एक घर में 25-26 दिन से रह रहे हो और एक इंसान एक दिन आए हुए, वह चलो ठीक है उनको कैप्टन बना दिया गया, वो कैप्टन है, बट जिस तरीके से उन्होंने आदेश देने स्टार्ट करे, ऑर्डर्स देने स्टार्ट करे, और जिस तरीके से ऑर्डर्स देने स्टार्ट करे, अगर मैं इस टाइम पे घर में होता तो मैं उनकी एक भी बात नहीं मानता जी, मानता ही नहीं। आप मेरे को दंड दे दो, मेरे को दंड देना मंजूर है, बट आप इस घर में एक दिन आके मेरे पे ऑर्डर नहीं चला सकती, आप होंगी कैप्टन, अपनी जगह होंगी कैप्टन, कैप्टन है, दंड दीजिए, आपका काम नहीं होगा जी, क्योंकि घर हमारा है, आप घर वाले हैं, घर के अंदर आए हैं जी, बट वो घर वालों को समझ ही नहीं आई चीज, बिल्कुल आपस में घर के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपस में घर टूटा हो सकता है, बट किसी बाहर वाले के लिए यूनाइटेड रहना चाहिए जी। ओके शहजाद, लास्ट क्वेश्चन, फैंस से काफी कुछ आपको प्यार मिला है, लेकिन फैंस के साथ साथ ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो कि अगेंस्ट गए थे बिग बॉस के, कह रहे थे कि ये बहुत ही गलत हुआ आपके साथ, फिर वो चाहे सरगुन हो, सभी ने आपको सपोर्ट किया, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, फैंस को भी कहना चाहेंगे और आपके जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स है जिन्होंने अपोज किया जैसे कि सरगुन, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? सरगुन इज अ स्वीट हार्ट, मतलब मेरे लिए वो इतना ज्यादा करती हैं हमेशा से कि मतलब मैं इतना ज्यादा थैंकफुल होता हूँ उनके, जब भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है आउट ऑफ द वे जाके करती हैं, उनको खुद कभी कभी बैकलैश मिलता है कि जैसे जब वो मेरे को सपोर्ट करती हैं जैसे मैंने कभी कुछ गलत कर लिया हो, बट वो कभी हटी नहीं, कभी रुकी नहीं, वो शी इज अ ट्रू फ्रेंड, एंड जाहिर सी बात है उन्होंने शो देखा था, वो अच्छे से शो फॉलो कर रही थी, देख रही थी, तो देखिए एक ऑडियंस तो वो भी है, बेशक वो सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बट एक ऑडियंस तो वो भी रह चुकी है बिग बॉस की, वो फैन है बिग बॉस की, बिग बॉस ने जब ऐसी एक चीज करी जो आज तक बिग बॉस ने नहीं करी तो अनफेयर तो लगेगा ही ना, वो भी किसी डिजर्विंग के साथ, या तो मैं डिजर्विंग नहीं होता या मैं कुछ कर नहीं रहा होता, जब मैंने इतना कुछ करा है, जब ऑडियंस का इतना प्यार है, फिर आपने कंटेस्टेंट के साथ ऐसा कर दिया, तो आउट जाके, आउट एंड आउट जाके एक अपनी वॉइस रखेंगी, क्योंकि उनकी आवाज में दम है, उनकी आवाज जगह जगह पहुंच सकती है, एंड उन्होंने वो करा। रही बात ऑडियंस की, आज इतना ज्यादा ऑडियंस का सपोर्ट है, प्यार है मेरे लिए, कि आज चैनल तक मजबूर हो गया है ये चेक करने में कि क्या वाकई ही कुछ गलत हुआ और इसको वापस लाना चाहिए। आप कलर्स के पेज पे जाके देखिए, जब उनके वाइल्ड कार्ड, जिस दिन उनके वाइल्ड कार्ड आए हैं उस दिन उन्होंने अपने वाइल्ड कार्ड का कॉन्टेंट नहीं डाला है, उन्होंने एक हफ्ते पहले की मेरी क्लिप्स उठा के डाली और नीचे लोगों से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए आप इसको मिस कर रहे हैं, आप इसको वापस देखना चाहते हैं, और उनके नॉर्मल कमेंट नॉर्मल पोस्ट पे जो कलर्स ने डाला है, कोई आम पोस्ट जो डालते हैं किसी और कंटेस्टेंट का या कोई और वीकेंड के एपिसोड का, उस पे आ रहे हैं 300, 400, 500 कमेंट,
जो मेरा पोस्ट डाले उनको हजारों में कमेंट आ गए, 1000 से ज्यादा आ गए और व्यूज आ गए कुछ 2 लाख के आसपास, और वैसे उनके व्यूज आ रहे हैं 80,000-90,000। तो ऑब्वियसली कलर्स चैनल भी अब देखना चाह रहा है, गौज कर रहा है देख के कि कितना रिस्पॉन्स है कैसे है, ताकि वो एक और इस बारे में डिसीजन ले सके। जी थैंक यू सो मच शहजाद, आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया, थैंक्स फॉर गिविंग मी गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, बाय।